हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो अभी अभी हम लोग अपने रूम में हैं, जहाँ पे हमने चेक इन किया हुआ था 2 दिन के लिए, 2 राइड के लिए। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जाने वाले हैं ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे रुड़की के लिए, रुड़की से हम लोग जाएंगे कलियर शरीफ। तो अभी अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। आपको इस रूम का टूर दिखाना चाहता था, जहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ का टूर। और अभी जो मैं अपने रूम में था, यहाँ से बालकनी का व्यू कुछ ऐसा है, ये आप सामने देख सकते हैं। वो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, उधर के पूरा एरिया हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है। यहाँ से नियर बाई तकरीबन 100 100 मीटर होगा। और अभी हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, उसका नाम है कुनाल गेस्ट हाउस, जो आप देख सकते हैं। इसका फेयर हमें पर नाइट 1000 रुपीज़ पड़ा, यानी 2 नाइट का 2000 रुपीज़ विथ AC, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी गोल्डी हमारा जा चुका है नीचे, बस आपको रूम का टूर दिखाने के लिए मैं रुका हुआ था। वहाँ यहाँ से चेकआउट करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा ओल्ड दिल्ली के लिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक के लिए। मिलते हैं अगले दिसंबर में या ट्रेन में या तो फिर सीधा वहीं फोटो रोड की स्टेशन में, वहाँ से अपन करियर का सफर दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से हम ट्रेन पकड़ेंगे अपनी रुड़की के लिए, रुड़की से फिर अपन जाएंगे करियर शरीफ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, देखते रहिएगा पूरा सफ़र। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ऑटो ली है हज़रत निज़ामुद्दीन से और दिल्ली के लिए, जिसका फेयर हमें पड़ा 150 रुपये। उतना ही लगभग हमारा मेट्रो में भी लग रहा था, लेकिन मेट्रो में हमें 2 मेट्रो बदलनी पड़ती, टाइम लगता है, इस वजह से हमने ऑटो को प्रेफर किया। ऑटो से अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन से और दिल्ली। ये आप कुछ नज़ारे देख सकते हैं, वो हुमायूं का मकबरा है जो आपको नज़र आ रहा है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली की तरफ, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा रुड़की के लिए, हम ट्रेन पकड़ेंगे इधर से जाके रुड़की, रुड़की से फिर अपना सारे करियर। यहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी रुड़की के लिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग्स आगे कंटिन्यू, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से अब रुड़की का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। Thank you.
तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं पीरान कलियर। फिर हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, दिल्ली से हम लोग रुड़की आए, और रुड़की स्टेशन से बाहर हम लोगों ने आके ऑटो वाले से बोला कि हमें पीरान कलियर जाना है। उसने 30 रुपये पर सवारी लिया और हमें रुड़की से पीरान कलियर की छोड़ने के लिए रवाना हो गया। उधर से हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अभी आपने हमारे वीडियो में टाइम लैप्स के ज़रिए देखा। अभी हम लोग ये पीरान करियर पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का आसपास का पूरा एरिया ही है मज़ार के जस्ट नियर बाई। यहाँ पे दरगाह है बनी हुई हैं और दीगर, और यहाँ पे होटलें भी हैं, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है, हर चीज़ की सुविधा है, ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएँ हैं इधर पर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम लोगों के बगल में आप देख सकते हैं ये जो नहर जा रही है, एक नहर है और एक इसके बाद नदी है, दो हैं दोनों, एक नहर है एक नदी है। अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे, थोड़ा दूर पे हमें मज़ार के पास से ऑटो वाले भैया उतार देंगे, वहाँ से हम लोग जाएँगे, फ्रेश वगैरह होंगे, वाशरूम में सब कुछ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मज़ार। मज़ार में जाके फिर अपना ज़ियारत करेंगे, वहाँ की आपको ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बिल्कुल मज़ार के एकदम पास में। सो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मज़ार के गेट पे। अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे, फिर उसके बाद फिर जाते हैं मज़ार में, इंशाल्लाह आपको कराते हैं ज़ियारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसके आगे का आपको सफ़र नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी हम लोग गेट में पहुंच चुके हैं, यहाँ से मज़ार की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ज़ियारत इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कराई जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं शादी भैया, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सामने ये है उसका गेट, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ से गेट अंदर जाने का, चलिए चलते हैं।